नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस न्यूज़ चैनल में व्यूज़ फ्रॉम सुनील लालाखंडी। इसके व्यू मैं हूँ सुनील लालाखंडी और आपके सामने उपस्थित हूँ। वंदे मातरम। कल मैं इस बार फिर से आपको बॉम्बे की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि तीन जो महानगर हैं वहाँ पर सारी हरकत हो रही है, इस बार सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। एक है बंगाल कलकत्ता के थ्रू, जिसमें ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। तीन राउंड चुनाव के हो चुके हैं और बाकी अभी 5 राउंड बाकी हैं। 2 मई को वहाँ पर चुनाव के परिणामों की घोषणा की जाएगी, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कई चीज़ें इसमें निकल के बाहर आती रहेंगी और वो समय समय पर मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। दूसरा, दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान, मरता हुआ किसान आंदोलन है, उसकी कुछ आखिरी की अंतिम क्षणों में अंतिम सांसें गिन रहा है, उसका क्या होगा इसके बारे में भी कुछ चैनल खबरें दे रहे हैं। मैं आपको बात करूँगा बम्बई में। बम्बई में शिवसेना कि नीत जो सरकार है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, इसमें विकास वर्ड क्यों शामिल किया गया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अब तो ये जैसा घटनाएं बता रही है, ये महाराष्ट्र वसूली अघाड़ी की सरकार हो गई है। इसमें 3 पक्ष हैं और यदि पुलिस अधिकारियों को हिसाब से इनको बांटे जाए तो सचिन वाजे जो हैं वो शिवसेना के आदमी हैं, उसमें ऐसा लग रहा है अभी तक। और जो परमवीर सिंह है वो कांग्रेस के फिलर हैं। और अब जो नए, क्योंकि इन दो में कहीं से कहीं तक गृहमंत्री, हालांकि देशमुख एनसीबी के थे, लेकिन पुलिस जो सीनियर पुलिस अधिकारी है या कोई बड़ा तो नहीं कहेंगे, कोई सिग्निफिकेंट पुलिस अधिकारी उनका नहीं था। तो उन हेमंत नरगले को जो अभी नया पुलिस कमिश्नर बनाया है बम्बई का परमवीर सिंह के स्थान पर, तो वो शायद अब कल ऐसा लगा कि वो एनसीपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। कल सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूँ। उन्होंने 5 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उनकी नियुक्ति तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने की थी, क्योंकि अब उसके बाद जो फैसला आया था हाईकोर्ट का, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। और उनके बाद दिलीप वलसे पाटिल वित्त होम मंत्री तुरंत में बना दिए गए, वो भी एनसीपी के ही हैं। तो इससे एक बात तो ये क्लियर होती है कि कोटे के हिसाब से मंत्री जो भी कोई मिलीजुली सरकार होती है उसमें शामिल होता है, ना उसकी योग्यता देखी जाती है और ना ही मुख्यमंत्री की कोई उसमें से होती है। एनीवे, इसके बारे में मेरा एक और वीड थॉट ये है कि जो अब तक शिवसेना के जो प्रमुख प्रवक्ता थे संजय राउत, उनका कहना था कि अनिल देशमुख एक एक्सीडेंटल गृह मंत्री थे। तो आप वो क्या कहेंगे दिलीप वलसे पाटिल के बारे में, क्योंकि जयंत पाटिल ने एक बार फिर से उनको नई गृह मंत्री बनना था, वो नहीं बने। तो ये डबल एक्सीडेंट कहेंगे या इसको सुनामी, राजनीतिक सुनामी कहेंगे, जो परमवीर सिंह की उस चिट्ठी के बाद में, या फिर एंटालिया बिल्डिंग के बाहर जो छड़े मिली थी उनके बाद जो सुनामी आई है उसके प्रदत्त या उनके रिजल्ट में निकला हुआ एक गृह मंत्री है ये संजय पाटिल। जरूर उनको संजय राउत जरूर उनको एक सुनामी वाला गृह मंत्री कहेंगे। खैर, एनीवे, तो जो हेमंत नरगले ने कल एक जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सचिन वाजे है उसको अपॉइंटमेंट सोलली परमवीर सिंह ने किया था। उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया था, उन्होंने खुद पे उनके पास अधिकार थे, उससे ही उन्होंने उनको नियुक्त किया था। यानी वो एक तीर से 2 निशाने मारने की कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना पे भी मार रहे हैं और कांग्रेस पे भी मार रहे हैं, क्योंकि वो सचिन वाजे के अपॉइंटमेंट को गलत बता रहे हैं और दूसरा ये बता रहे हैं कि इसको परमवीर सिंह ने किया था। इसमें शायद मुख्यमंत्री की सहमति बनाई हो, लेकिन गृह मंत्री की इसमें सहमति नहीं थी। यानी एनसीबी को उसमें वो क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली वो एनसीबी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि एक विशेष आदेश द्वारा जो शायद मौखिक ही था, उसके आधार उन्होंने ICU जो यूनिट है उनकी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, उसका चीफ भी सचिन वाजे को, हालांकि बहुत ही जूनियर अधिकारी थे वो, केवल असिस्टेंट इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको बना दिया गया, जबकि मिनिमम इंस्पेक्टर एक इस पद पे होता है। और फर्दर उन्होंने ये भी लिखा कि वो किसी अपने क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट में किसी को रिपोर्ट नहीं करते थे, वो सीधा परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। और
यदि और जो परमवीर सिंह जो मुख्य मुद्दे होते थे जिन पर उनको प्रेस को ब्रीफ करना होता था, तो उनके साथ सचिन वाजे वहाँ पर रहते थे, मतलब इतना इम्पोर्टेंस उनका था। और वो उस सब रिपोर्ट करने के बाद वो अपने अधिकारियों को बताते थे कि ये इस रिपोर्ट प्रोग्रेस हुई है इसमें, और वो भी उनके पूछने पर। तो इस ये वजूद कर दिया था सचिन वाजे का, और उसके लिए सोलली परमवीर सिंह ही रेस्पॉन्सिबल है। अब परमवीर सिंह को उन्होंने रेस्पॉन्सिबल इसलिए बताया क्योंकि परमवीर सिंह ने वो एक चिट्ठी लिखी थी, और जिसकी चिट्ठी के आधार पर और इसी पत्र के आधार पर, और जो परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी इसी पत्र के आधार पर फिर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और हाईकोर्ट से वो एक हाईकोर्ट ने किसी और वकील की अपील पर आदेश दिए थे कि सीबीआई इसकी जांच करे। हालांकि सेना, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा, सेना इसके खिलाफ में दूसरे एक उस हाईकोर्ट में वो केस लगा चुकी है। तो ये तो बात रही कि रिपोर्ट अहमद नारगले की। अब दूसरा था कि एक और चिट्ठी कोर्ट के लिए लिखी है सचिन वाजे ने, इसमें उसने सीधे सीधे बताया कि उसके अपॉइंटमेंट के लिए माननीय देशमुख ने तो राजी थे करने के लिए, लेकिन उसके लिए शरद पवार नहीं मान रहे थे, और शरद पवार को 2 करोड़ रुपए में दे के मनाया जा सकता है। इस पे सचिन वाजे का कहना है कि उनके पास इसकी हैसियत नहीं थी वो 2 करोड़ रुपए दें। तो फिर एक डील हुई, उसमें उन्होंने कहा था कि आप ये 2 करोड़ रुपए वापस दे सकते हैं। तो किसी तरह वो एक ये जो रिपोर्ट है ये जा रही है शिवसेना के खिलाफ, ये पूरी रिपोर्ट। हालांकि उन्होंने भी कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है, इसको दूसरे रूप में पेश करने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं एक गुत्थी उलझती जा रही है, या फिर परमवीर सिंह, हेमंत नरगले और सचिन वाजे, जो तीन महाराष्ट्र विकास है महाराष्ट्र वसूली अगाड़ी के लिए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पुलिस की इस शतरंज के खेल में, ये किसी न किसी तरह असली मुद्दे को घुमाने या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसमें शायद हो सकता है ये सच भी हो, और इसमें चूंकि पवार साहब का नाम आया है, शरद पवार का नाम आया है, और शरद पवार शायद इसीलिए चुप बैठे हैं अभी अस्पताल में जाके चुपचाप से। तो काफ़ी कुछ अभी इसमें बाकी है होना, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि ये इतना आसान पूरा मामला वसूली का नहीं है, ये तो घुमाया गया है इसको। ये कहीं ना कहीं इसके तार 1993 के जो बम्बई में बम विस्फोट हुए थे, और उसके बाद 2003 या 2004 में जो दंगे हुए थे, इन सबसे जुड़े हुए हैं। और धीरे धीरे ये परतें खुलेंगी। NIA इस गुगली में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी एक सक्षम और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, और उसने काफ़ी केस सॉल्व भी किए हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि उनकी सक्सेस रेट या कन्विक्शन रेट करीब 90% है। तो कहीं ना कहीं ये इन जो डमीज लेटर्स हैं या जिस तरह से घुमाने की कोशिश की जा रही है, इसमें ये नहीं आएंगे, और ये मामले की तह तक पहुँचेंगे, जो कि मेरा मानना है कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसा कल मैंने मेरे एक हमारे पॉलिटिकल बाबा के साथ जो बात करते हुए कहा था कि दो चीज़ें की देश में शुरुआत हो रही है, एक तो ये कि बंगाल में जो चुनाव होंगे ये एक ट्रेंड सेट करेंगे कि हिंदू एकजुट वोट कैसे किसी एक पार्टी को देंगे। ये पहला एक एग्जाम्पल होगा बंगाल कि एन मास हिंदू वोट देंगे। ऐसा एक बार पहले हुआ था 1984 के इलेक्शंस में, जब हिंदू बैकलैश हुआ था और सारे हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया था, हालांकि मुसलमानों ने भी दिया था उस समय वोट, और 460 के करीब कांग्रेस को राजीव गांधी के नेतृत्व में सीटें मिली थी इंदिरा गांधी के मृत्यु के जो सिंपैथी वेव थी उसमें। तो ऐसा ही कुछ होगा अब नेशनल पटल पर, धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी होगा, और 2 मई को शायद आपको पता चलेगा कि शायद इसके इस बंगाल के अप्रोच के सीटें तमिलनाडु और केरला में भी गए हैं, वहाँ के रिजल्ट आपको बताएंगे, जो कहीं से कहीं थोड़े बहुत केरला में ज़रूर आपको आश्चर्यजनक नतीजे देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात जो मैं कहा, जो शुरुआत ये बॉम्बे वाले कांड से हो रही है, ये है कि एक वृहद सफाई चालू होगी क्रिमिनल की, और अंडरग्राउंड जो वर्कर्स हैं, जो बॉम्बे का है सारा साथ, जो कि पाकिस्तान में दाऊद भी चलाते हैं, और जिनमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स आदि
शामिल रहे हैं अब तक पिछले 50-60 सालों में, तो उनकी भी जड़ें खोदी जाएंगी। इसकी शुरुआत शायद इस वाजे केस से हो चुकी है। इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके सामने आएगा। तो जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा गाना भी सुनाना चाहता हूँ। उसमें राज कपूर की फिल्म संगम का आई है, और सुनिए आप थोड़े दो पंक्तियों का आनंद लीजिए, और फिर अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक लिए अलविदा, और यदि मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए, और अपने मित्रों से के साथ भी शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।